फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 27 और ये ब्रिटिश पॉलिसी एंड प्रोग्राम का लास्ट मॉड्यूल होने जा रहा है, डेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल के टाइम में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, इससे पहले हम लोग कंपनी रूल के अंदर समझ चुके हैं। कंपनी रूल के अंदर जानते हो 1853 में चार्टर एक्ट आया था, करेक्ट। तो आपको कंपनी के अंदर क्या क्या हुआ वो भी पता होना चाहिए इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो देखो सिलेबस देख सकते हो, है ना। यस, वी हैव कवर अंडर द कंपनी रूल और इस क्लास में कवर करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बच्चे लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस मॉड्यूल में नहीं। कोई सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये इसके लिए आपका वो कंटिन्यूशन रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो हम लोग 19 तक अलग से पढ़ेंगे और 35 और 1947 इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू ही पढ़ेंगे वो, समझ गए ना। तो इसमें नोट्स कहाँ तक दिया गया, 1919 तक दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, यहाँ पे देखते हैं। और एक क्वीन प्रोक्लेमेशन, अलाहाबाद दरबार, इजीली कनेक्ट कर पाओगे इस चीज़ को। एंड देर वॉज अ नीड टू रेगुलेट ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया को रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगा, अब डायरेक्ट क्वीन, ब्रिटिश क्राउन ही कंट्रोल करेगा, ट्रांसफर ऑफ पावर है। अब जो भाग्य है इंडियंस का वो तय कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा, समझे। हाँ, लोगों में खुशी भी था, पता है, क्योंकि जो जिस हिसाब से क्वीन को प्रोजेक्ट किया गया था भारत में अलाहाबाद दरबार में, तो लोगों को लगा कि यस अब हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी बनिया क्लास नहीं ना जी, अब तो क्वीन है। क्वीन को लेकर अलग ही दीवानगी था भारत में, कह सकते हो प्रचार प्रसार का असर है वो। और गरीब लोग हैं, कुछ भी लॉलीपॉप दे दो ठग लो, लोगों को लगेगा बात सत्य है, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जान ही रहे हो। तो जो लोगों के मन में गुस्सा था वो तो हमें दिखा 1857 का रिवोल्ट में, है ना। तो पीक पे पहुंचा है वही इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो अब तो इनफ इज इनफ हो गया, अब यदि ईस्ट इंडिया कंपनी कैरी करता तो शायद ही ब्रिटिश कंट्रोल कर पाता भारत को। और उसके बाद देखो क्वीन प्रोक्लेमेशन में ये कहा गया ना कि फर्दर नो एक्सपेंशन, अब कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दलाउजी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, समझे। और हाँ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस ऑल्सो, अवध को तो मिस गवर्नेंस के प्रिटेक्स्ट में ही लिया गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857, देखो इससे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक दहशत, उसके दिल में एक दहशत क्रिएट हुआ और ये कहा कि नो, अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन के अंदर रहे तभी बेटर है, अदरवाइज नहीं हो सकता, इसे डायरेक्ट कंट्रोल है। आ रहा है समझ में ना। देखो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर होके ब्रिटिश क्राउन के अंदर पहुंच गया। यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वेरी वेरी वही क्वीन प्रोक्लेमेशन के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात आएगा। अब चलो देखो क्रोनोलॉजी समझो, शुरू में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स पहला शख्सियत बने। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट में क्या हुआ, चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, सही बात है। कौन सा चार्टर बना था ये बताओ, कौन सा चार्टर बना था ये? हाँ, विलियम मेंडिक बने थे पहले शख्सियत, याद करो विलियम मेंडिक 1833 के चार्टर में, उनका टाइम वहाँ से तुम डिनोट कर सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वॉइस वाई का, तो सबसे बड़ी बात है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अब वो वॉइस वाई कहलाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद खत्म हो जाएगा, वो पद भी चलेगा, यानी कि वॉइस वाई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक आदमी है, एक आदमी है, मतलब दो काम कर रहा है, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी काम कर रहा है और एक वॉइस वाई का भी काम कर रहा है। तो पूछोगे कि सर दोनों का डिफरेंस क्या है फिर, क्योंकि नोमन क्लेचर अभी वॉइस वाई आएगा। तो डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि वॉइस रॉय का मतलब है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का वो रिप्रेजेंटेटिव है, ब्रिटिश क्राउन का, इंग्लैंड का जो क्राउन है उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वॉइस रॉय है नोमेनक्लेचर। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है बच्चे लोग, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो भी चल ही रहा है, एक ही आदमी को हम वॉइस रॉय भी बोल रहे हैं, एक ही आदमी को हम क्या बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोल रहे हैं।
तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि वो भारत का एडमिनिस्ट्रेटर है वो, और जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज होगा प्रिंसली स्टेट साथ वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही करेगा, समझ रहे हो? यानी कि एक ही आदमी दोनों का ही रोल प्ले कर रहा है। ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? वॉइस रॉय। और बाकी भारत को जो काम कर, भारत का जो जो देख रहा है, भारत को जो रेगुलेट कर रहा है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर रहा है। और इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही जो पद है वो एक आदमी के लिए ही है। बहुत कन्फ्यूजन होता है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे बुक में ये क्लियर नहीं दिया गया है। बहुत सारे बुक में इनफैक्ट यहाँ पर भी ये लिख दिया जाए कि रिप्लेस कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया वॉइस रॉय से। रिप्लेस किया गया मैं, वो पद अभी भी कैरी होगा, एक ही आदमी संभालेगा। आया समझ में ना? यहाँ पे देखो, और एक नया पद भी बना देखो। अच्छा याद करो, डबल गवर्नमेंट, पीट इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, BOC और COD। BOC जानते हो ऊपर रहेगा, COD से। तो ये दोनों ही व्यवस्था खत्म कर दिया गया, ना ही अब BOC रहेगा और ना ही आपका COD रहेगा। अब होगा एक बॉडी जिसको बोलेंगे SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने वो और कोई नहीं, लॉर्ड स्टैनले ही थे, जो कि तुम देख सकते हो अपने नोट्स में। और जो पहला जो वॉइस रॉय बने वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, वही लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 के रिवोल्ट में प्रेजेंट थे। और किसके अगेंस्ट एक्चुअल में विद्रोह हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के विरोध में हुआ था वो चीज़, क्योंकि डलहौजी ने जितना गंदा काम है वो कम करके वो 1856 में निकल गया था। मार झेला है कैनिंग ने उस चीज को। कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ दिस कंट्री। आया समझ में? ये बैकग्राउंड है, समझो आप, अब आराम समझ लोगे चीज़ों को। देखो SOS को भी, SOS के लिए भी एक टीम मेंबर होगा, उसमें 15 मेंबर्स होंगे, एक काउंसिल होगा जो SOS को भी असिस्ट करेगा। अब चलो, जो SOS है और कोई नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक आदमी है। देखो अब समझो, अब समझो यहाँ पे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया 1864 में, तो पूरा खत्म ही हो गया, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पॉलिटिकल पावर था ख़त्म कर दिया गया, पावर पूरा ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर। नंबर टू देखो, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका डेजिग्नेशन चेंज करके वॉइस रॉय कर दिया गया, मगर वो भी कैरी हो रहा है। तो कहो एक ही आदमी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है और वही आदमी वॉइस रॉय भी है। तो वॉइस रॉय का मतलब वही, देखो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का वॉइस रॉय, डिफरेंस समझो। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा भारत का वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो डिप्लोमेट वाला काम, दुनिया भर का चीज़ और भी बहुत सारा चीज़ करेगा वो, जो एक कंट्री को रूल करने के लिए करना चाहिए। डबल गवर्नमेंट देखो, जो पीट इंडिया एक्ट में लाया गया था 1784 में, उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि BOC ख़त्म, COD ख़त्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म, नया ऑफिस बनाया गया SOS, सही बात है ना, एंड कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि SOS बड़ा पद है वॉइस रॉय से, वॉइस रॉय से ऊपर SOS है, और SOS लिंक करेगा ब्रिटेन से। पर था ना, BOC बड़ा पद था, बिल्कुल उसको रिप्लेस करके, दोनों को रिप्लेस करके SOS बनाया गया। तो कंप्लीट अथॉरिटी है स्टूडेंट, कंप्लीट कंट्रोल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। एंड वो और कोई नहीं, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट ही है, जो ब्रिटिश कैबिनेट जो है ना, जो चला रहा है इंग्लैंड को, उसी का एक आदमी SOS है उसमें, ठीक है ना। और वो जितना भी चीज़ होगा भारत का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वही बोल रहा होगा, SOS ही इंडिया के बारे में बोल रहा होगा, देखिए ऐसा ऐसा हुआ है इंडिया में, ये वो, और यही इन्फॉर्मेशन हमको वॉइस रॉय से मिला है। तो वॉइस रॉय कंट्रोल में है, वॉइस रॉय नीचे है SOS के, समझे ना। और वो पॉलिटिकल हेड भारत का कोई होगा तो कौन होगा विद्यार्थी लोग? SOS होगा। और जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वॉइस रॉय होगा, डिफरेंस समझो। तो इसका मतलब SOS का काम बहुत बड़ा है, तो उसके लिए एक काउंसिल बनेगा। कितने मेंबर रहेंगे उसमें? 15 मेंबर रहेंगे जो असिस्ट करेंगे काउंसिल को, और सब असिस्ट करेंगे उसको, और ये एडवाइजरी बॉडी जो कि SOS को हमेशा एडवाइस सब देगा। होप सो समझ में आ गया होगा। तो पहला जो बने SOS कौन थे? लॉर्ड स्टैनले। अब यहाँ पे समझो विद्यार्थी लोग, ये समझ सकते हो, इस फिगर से भी तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो जी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, उसको कैसे इवेलुएट करोगे? हाँ, उसको कैसे एनालाइज करोगे? तो यहाँ देखो, यहाँ तुमको समझ में आ जाएगा, सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो पर नीचे समझो, वॉइस रॉय, आखिर वॉइस रॉय का पोस्ट है ना, वॉइस रॉय क्या है? क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, तो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे जो आया है, हाँ मैंने इंटरचेंजेबली ये बोल दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिप्लोमेट का काम करेगा, नो, डिप्लोमेट काम वॉइस रॉय करेगा। क्यों? देखो इधर समझो, कंट्री है ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश रूल कर रहा है, प्रिंसली स्टेट तो ब्रिटिश के अंदर नहीं है, रिलेशन है, हाँ उसका बहुत सारा अफेयर्स देख रहा है।
तो अब किस हैसियत से प्रिंसली स्टेट से कम्युनिकेट किया जाएगा, वो वायसराय की हैसियत से, क्योंकि वो ब्रिटिश ब्रिटिश का आदमी है, ब्रिटिश क्राउन का आदमी, ब्रिटिश क्राउन का आदमी का मतलब वो वायसराय है। वायसराय क्या करेगा, एज अ डिप्लोमेट के रूप में काम करेगा प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट से समझौता करेगा, बातचीत करेगा। हाँ, भारत चलाने का फिर बात आए, ब्रिटिश इंडिया चलाने का बात आए, जो रियल एग्जीक्यूटिव होगा उस समय नाम क्या होगा उसका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द डिफरेंस। देखो, तो वायसराय क्रिएट किया गया एज अ डिप्लोमेट के रूप में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट से वो नेगोशिएट करेगा, समझे ना। हाउएवर देखो, बोथ द ऑफिस टू बी हेल्ड बाई द सेम पर्सन, आया क्लियर कर दिया इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बात हो या वायसराय का बात हो, दोनों ही पद एक ही आदमी को मिलेगा, ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा होता है ना, दो अलग पद बनाते तो कन्फ्लिक्ट होने का चांस होता है, कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए किया गया। ऑब्जेक्टिव सेम आदमी को दोनों पद पर डालने की क्या जरूरत था, वही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए, कोई दिक्कत ना हो इसलिए। अब देखो, तो गवर्नर जनरल ऑब्लिक वायसराय, यानी कहने का मतलब पूरा रिप्लेस तो नहीं किया गया है, सेम नोमेनक्लेचर है, प्लस वो ऐड किया गया है, उस नोमेनक्लेचर में एक और नोमेनक्लेचर ऐड किया वायसराय, क्योंकि एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे दिया गया। अब ये आंसरेबल किसको होगा, एसओएस को, और फिर एसओएस रिस्पॉन्सिबल कहाँ होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि वो खुद कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब क्या, खुद पार्लियामेंट का हिस्सा है वो, कंप्लीट वही बोला है, एसओएस कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सही बात है ना, एसओएस। और इसके लिए एडवाइजरी काउंसिल होगा उसका, 15 मेंबर होंगे उसमें। हाँ देखो, साइड में देखो, इस्टैब्लिश द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर इंडियन अफेयर्स बाय एसओएस, यानी कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है भारत को किसके थ्रू, एसओएस के थ्रू, नंबर वन, है ना, इंडिया का रूल किया जा रहा है इन द नेम ऑफ क्राउन, सही बात है, नंबर टू, और इसमें क्या है बच्चे लोग, लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। हाँ, इसमें क्या था कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि जो भी इंग्लैंड में हुआ है वो सब रेप्लीकेट यहाँ पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ यहाँ पे भी रेप्लीकेट होगा, कहने का मतलब ये है, तो लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज नाउ हाईली सेंट्रलाइज, बहुत सेंट्रलाइज है, पावर कहाँ है, वॉइस रॉय के पास, इंडिया टोटल कंट्रोल वॉइस रॉय करेगा, ठीक है, और उसको कंट्रोल करने में ऐसे पावर पूरा ऊपर सेंट्रलाइज कर दिया गया, समझे ना। हाँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ, रेड कलर देखो, समझो उसको, लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। तो ये जो किया गया, देखो पहले क्या था बच्चे लोग, पहले थोड़ा ना ठीक से पहुँच नहीं पाता था इन्फॉर्मेशन, भारत का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पहले इंग्लैंड कंट्रोल कर ही नहीं रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रहा था, और यदि इंग्लैंड कंट्रोल भी कर रहा था तो ईस्ट इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहा था, भारत कंट्रोल नहीं कर रहा था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का बात था, और वही ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगा तो इंडिया को रेगुलेट करेगा, इस तरह। अब ऐसा नहीं, अब तो डायरेक्ट अंदर आ गया, तो ये जो भी व्यवस्था क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, वो इसलिए किया गया ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके इंडिया से, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डायरेक्ट कंट्रोल कर सके, इसलिए एसओएस वॉइसराय, इसलिए ये व्यवस्था क्रिएट किया गया है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखो, याद आया पिट इंडिया एक्ट, ये वाला देखो पुराना वाला चीज़ इसमें अटैच किए हैं, जो गवर्नर जनरल जो 4-3 कर दिया गया ना, हाँ फिर बाद में एक और बढ़ा दिया जाएगा, फिर लॉ मेंबर बढ़ेंगे, वो बात का विषय है। बीओसी है, सीओडी है ना स्टूडेंट, बीओसी किसका है, क्राउन का है, सीओडी किसका है, कंपनी का है, एक सीक्रेट कमेटी होगा ना बीओसी और सीओडी को जोड़ने के लिए, इसी को बोलेंगे डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट जो पिट इंडिया एक्ट में बना था वो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ख़त्म हो गया, ठीक है, ये पहले से जानते हो बच्चे लोग, खत्म हो गया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ देखो एक ये भी चार्टर एक्ट भी देख लो, हाँ ये भी जाना ज़रूरी है, सेंट हेलिना एक्ट बताए थे ना, क्योंकि सेंट हेलिना आइलैंड में ये हुआ था, साइन हुआ था यहाँ। अब कहो कि सर ये बीच में क्यों दिया, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखो बना कि नहीं बना, देखो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक देखो इसी चार्टर में ना, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1858 के एक्ट में, लॉर्ड कैनिंग वायसराय बने, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नंबर वन। अब प्रिविलेज राइट दे दिया गया ना 20 साल के लिए 1833 से 53 तक, फिर 53 के बाद चार्टर फिर रिन्यू नहीं हुआ हम जानते हैं, ठीक है। और याद करो विद्यार्थी लोग, बॉम्बे का, मद्रास का अपना जो प्रोविंशियल चीज़ था, असेंबली जो चल रहा था उसको पूरा डिप्राइव कर दिया गया था ना, इसमें जो सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1773 में, वो फाइनली कल्मिनेट हुआ है 1833 के चार्टर एक्ट में, यानी कि पूरा पावर अब देखेगा सेंटर, आया समझ में,
यस, देखो नीचे कितना इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जो बम्बई का गवर्नर को पावर था लेजिस्लेशन बनाने का, क्योंकि पहले तो गवर्नर ही बना रहे थे, कोई अलग से थोड़ी था, उसी का टीम बनाता था लॉ सब, चाहे चाहे बम्बई का हो चाहे मद्रास का हो, दोनों का बनाने वाला गवर्नर ही था, मगर वो पावर को, पावर उसे वंचित कर दिया गया 1833 के चार्टर में। इसलिए कहते हैं ये फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन है। मैं अकेले आए, वही लॉ क्वालिफाई हुआ, एक लॉ मेंबर ऐड हुआ, यानी कि देखो जो 3 से 4 हुआ है ना, 4 से 3 हुआ, फिर 3 से 4 हो जाएगा, एक लॉ मेंबर जोड़ा जाएगा, एंड वही प्रेसिडेंट ऑफ बीओडी कर बिकम द मिनिस्टर ऑफ फॉर इंडियन अफेयर्स। तो ये हम लोग जानते हैं ये सब चीज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार्टर एक्ट 1853 भी आया था, सब याद है ना बच्चे लोग सभी चीज़। बिल्कुल पहले वाला चीज़ दिया गया ताकि अभी का चीज़ को समझ सको ठीक से। चार्टर एक्ट देखो 20 साल बाद हुआ, इसमें क्या था कि अब जितना दिन भी रहोगे ब्रिटिश क्राउन के अंदर रहोगे, चार्टर रिन्यू नहीं होगा। देखो 24 मेंबर से 18 मेंबर कर दिया गया, 18 मेंबर में भी 6 मेंबर क्या होगा, क्राउन का ही नॉमिनी होगा, पढ़ चुके हुए चीज़। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है दोनों को सेपरेट कर दिया गया। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब ऊपर वाला, क्योंकि नीचे का तो पावर ही खत्म कर दिया आप, यानी कि आपने मद्रास का तो खत्म ही कर दिया, बम्बई खत्म कर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, ऊपर का जो पार्लियामेंट है उसमें। मगर दुर्भाग्य की बात क्या है, चार जगह जो लोकल गवर्नमेंट जो उठ के जाते थे ये सभी लोग ब्रिटिशर्स होते थे, तो ये लोग इंडियन कंडीशन थोड़ी समझते थे। जैसे देखो एग्जाम्पल मद्रास से, बम्बई से, बंगाल से, आगरा से चार लोग जाते थे वहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऊपर का जो पार्लियामेंट में जाते थे। अब ये तुमको समझ में आएगा अच्छे से, ये तुमको अब बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए समझ में आएगा कि ये देखो काउंसिल कौन सा है, इंडियन काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या होता है बाबू, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हो सकता है, नो डाउट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि ये जो चार्टर था 1853 के चार्टर में, इसमें दोनों को सेपरेट कर दिया गया, हाँ ऑन द पेपर। इसका हम लोग इवेल्युएशन भी किए थे, क्रिटिकल इवेल्युएशन भी किए थे, उसमें जाने थे कि ऑन द पेपर ही हुआ, रियल में उसी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही वो एक्सटेंशन था, मैं हुआ ना, फिर भी एक मिनी पार्लियामेंट टाइप का व्यवस्था क्रिएट हुआ ना। अब यहाँ पे जो भी रिफॉर्म्स आएगा इन द फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 92, उसमें तुमको दिखेगा काउंसिल में चेंजेस दिखेगा। अब इंडियंस लोग को भी ऐड किया जाएगा इसमें, क्योंकि इससे पहले भले ही 1853 में चार बोला गया ना कि लोकल गवर्नमेंट आएगा, लोकल प्रोविंशियल से उठ के आएगा, मैं चारों तो अंग्रेजी था, वो इंडियन कंडीशन को नहीं समझता था। अब बारी है इंडियंस का भी उसमें जाने का, ठीक है। अब देखो आप समझो अच्छे से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये बिगिनिंग है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का। यस, अब इंडियंस भी लॉ मेकिंग में शामिल होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ रहे हो बात को ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियंस वेर एसोसिएटेड विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब उसके लिए कौन आएंगे इंडियंस, तो वॉइस रॉय अपॉइंट करेगा। मैं जो इंडियंस होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे 2 साल के लिए, केवल ऑफिशियल मेंबर नहीं होंगे, यानी कि मतलब उसको केवल बुलाया जा रहा है, देखो कैसे काम होता है, देखो तुम्हारे कंट्री में कैसे हम काम कर रहे हैं, वो ऑफिशियल मेंबर नहीं है। इस चीज़ को लेकर फिर मांग होगा ना, नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग है, मैं इंडिया शामिल हो रहे हैं ना 2 साल के लिए, कौन कर रहा है अपन, वॉइस रॉय कर रहा है। देखो यहाँ पे इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, देखो बच्चे लोग इसलिए देखो पुराना नॉलेज जानना जरूरी है। 1833 के चार्टर में आपने क्या किया, बम्बे का अधिकार छीन लिया लेजिस्लेशन बनाने का, उसके गवर्नर का, मद्रास का भी आपने छीन लिया, अब फिर लौटा रहे हैं। अब मद्रास और बम्बे अपना लेजिस्लेशन खुद कर सकता है, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होना चाहिए, हाँ देखते हो ना बिहार राज्य अपना बजट पास करता है ना, अपना विधानसभा है कि नहीं है, तो बिल्कुल विधानसभा लौटाने का बात है। हाँ ये विधानसभा अभी जितना परिपक्व नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नर का ही एक्सटेंशन है उस समय, आया समझ में ना। देखो वही लिखा गया कि ये जो तरीका है डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया था ना चार्टर एक्ट 1833 में मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन, अब फिर से लौटाया जा रहा है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और मद्रास का उसको रिस्टोर कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है सिविल सर्विस में कि कौन से एक्ट में पावर लिया गया और कौन से एक्ट में पावर दिया गया। पावर देने का मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, किस में सेंट्रलाइजेशन किया, दोनों ही। इसलिए 1833 का चार्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। और हाँ विद्यार्थी लोग, ये तो अभी सिस्टम अभी हम लोग लेके चलते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो है ना, एक आदमी कोई लीडर होता है, एक आदमी कोई नेता बनेगा,
है ना, हेड बनेगा और उसके अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट रहेगा। अभी ये होता है ना, होम मिनिस्टर है कि नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर है कि नहीं है, रेलवे मिनिस्टर है कि नहीं है, एक आदमी होते हैं ना, उसके अंदर पूरा ब्यूरोक्रेसी रहता है। तो ये इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पूछता है ये भी UPSC में कि कौन सा एक्ट ऐसा है जहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। वॉइसराय को इम्पावर, देखो वॉइसराय का पावर, देखो वॉइसराय का पावर कितना भयानक बढ़ा दिया गया इसमें। क्या कोई भी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? ऑर्डिनेंस जानते हो ना, आमतौर पर अभी भारत में ऑर्डिनेंस कैसे इशू किया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी कि पार्लियामेंट यदि काम नहीं, देखो राज्यसभा तो हमेशा कंटिन्यूस हाउस, लोकसभा ही जानते हो कि उसका साल में 3 बार बैठता है, मानसून सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन। अभी के हिसाब से क्या होता है कि यदि सेशन नहीं है, यानी कि लोकसभा नहीं है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑर्डिनेंस ला सकता है, प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट ऑर्डिनेंस ला सकता है। हाँ, जैसे फिर बैठक होगा लोकसभा का, बच्चे लोग सुनो अच्छे से, लिखने से ज़्यादा सुनने में फोकस करो, क्योंकि पॉलिटी का विषय है ये। सुनो, कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक पर हो गया, अभी समझो अच्छे से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हाउस सेशन में नहीं है तो ये पावर अभी भी भारत में है कि प्राइम मिनिस्टर अपना ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस बनाने का मतलब वो लॉ बनाना ही हुआ। जब फिर सेशन हुआ, यानी कि सेशन लौटा, लोकसभा काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है कुछ मंथ के अंदर। ये व्यवस्था भी भारत में, उस समय ऑर्डिनेंस बनाने का जो पावर दिया गया वॉइसराय को, ये दिया गया कि भले ही हाउस चलते भी रहे, वह फिर भी वॉइसराय अपना लॉ बना सकता है, फिर भी वॉइसराय क्या अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस और लॉ में यही अंतर, ऑर्डिनेंस कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है, जो कि लॉ के बराबर है। अभी इंडिया में ऑर्डिनेंस कब लॉ बनेगा? जब रेक्टिफिकेशन होगा। तो वह उस समय गड़बड़ी क्या है कि वीटो पावर दे दिया एक तरह से वॉइसराय को, कि भले ही सेशन चलते रहे वह फिर भी आप ऑर्डिनेंस बना सकते हो। देखो गड़बड़ चीज़ है, देखो यहाँ पे टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल चलते भी रहे तो उसे कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑर्डिनेंस बना सकते हो। आपको लॉ मेकिंग प्रोसेस में आपको वो किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, आप बना सकते हो। देखो वही बात है, एक्सरसाइज हिज वीटो पावर इफ ही फील्ड बिल अफेक्टेड द सेफ्टी पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बताओ, यदि कोई भी बिल पास हुआ बच्चे लोग, वो रोक भी सकता है कि इसके वजह से इंडिया में दिक्कत होगा, सेफ्टी का इशू है। पूरा वीटो पावर दिया गया है वॉइसराय को। इतना पावरफुल पोस्ट नहीं है अभी प्राइम मिनिस्टर का हमारा, या प्रेसिडेंट का, ठीक है? क्योंकि ऑर्डिनेंस यदि लागू होगा तो फिर रेक्टिफिकेशन करना होगा पार्लियामेंट से आपको। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट वही बोला कि आप वीटो भी यूज़ कर सकते हो यदि आपको कोई लगा कि बिल के वजह से सेफ्टी पे इशू पड़ रहा है, पीस पे इशू पड़ रहा है, या जो ब्रिटिश इंडिया है उसके इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल उस बिल को भी रोक सकते हो। तो बिल बना भी सकते हो, बिल रोक भी सकते हो, बात समझो। कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दिया गया वॉइसराय का, समझे ना? हाँ, यहाँ पे देखो रीज़न, आखिर सबसे बड़ा सवाल है क्या आखिर 1861 का? बताओ 1858 में तो आप एक्ट लेके आए ही थे, 3 साल के अंदर आपने फिर दूसरा एक्ट लेके आया। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है विद्यार्थी लोग, आमतौर पर समय लगता है ना, इतना जल्दी लाने क्या जरूरत? इन द फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो बात समझो, यहाँ पे समझो क्या हुआ। 1850 एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना 1858, उसमें जो भी व्यवस्था था वो वही व्यवस्था था जो शुरू से ईस्ट इंडिया कंपनी चला के आ रहा था। तो इन लोगों को रियलाइज हुआ कि गलती हो गया, एक्चुअली व्यवस्था तो इंग्लैंड वाला होना चाहिए था, मैं उसी कैरी किए तो गलत है। क्योंकि ऐसे भी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 के चार्टर में ख़त्म ही कर दिया पावर गवर्नर का, मद्रास का, उसका लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म कर दिया। तो इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं चलने वाला है, गलती से हम क्या कि 1858 में कैरी कर दिए, अब ज़रूरी है कि जो रियल नियम लगना चाहिए वो भारत के ऊपर अप्लाई हो, समझ रहे हो ना बात को? देखो तो 1850 एक्ट लार्जली प्रोवाइडेड हाउ इंडिया वुड बी गवर्न फ्रॉम इंग्लैंड, हाउएवर इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल इन इंडिया। जो भारत में शुरू से जो प्रेजेंट था कंपनी के टाइम में वही कंटिन्यू रहा, कायदे से क्या होना चाहिए था, बदलना चाहिए था, वो नहीं बदला हुआ। देखो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि जनरल परसेप्शन इंग्लैंड में आया कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर द गवर्नमेंट इन इंडिया विदाउट द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है ना, यदि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लिया गया तो फिर विद्रोह हो सकता है। तो इन लोगों को रियलाइज हुआ कि इंडियंस को लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना होगा। देखो वॉइसराय ने किया ना, वॉइसराय बोला ना कि इंडियंस को अपॉइंट कर सकता है 2 साल के लिए एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो समझ गए ना। देखो अब इस बीच में क्या हुआ, द सेंट्रलाइज्ड लॉ मेकिंग सिस्टम वॉज डिफेक्टिव। अब बताओ
1833 चार्टर में क्या था कि पूरा पावर सेंट्रलाइज हो गया, हुआ ना विद्यार्थी लोग? हाँ, तो इट हैड ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ द फोर प्रोविंस, बताओ सब चारों प्रोविंस का, याद है ना, आगरा भी था उसमें, एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो लोकल कंडीशन के बारे में जान ही नहीं रहा है, वो सब अंग्रेज है, गोरे लोग हैं, इसलिए इंडियंस को आना जरूरी था, ये रियलाइज हुआ इन लोग को। एंड दूसरी बात है कि गवर्नर जनरल काउंसिल ओवरबर्डन, बताओ इतना कुछ तुमने दे दिया, सब पावर गवर्नर जनरल को दे दिया लॉ बनाने का, कि मद्रास का भी वही बनाएगा, दूसरा प्रोविंस का ही वही बना, ओवरबर्डन हो जाए, इसलिए लौटा दिया जाए उसको, और ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लौटा दिया गया पावर। तो देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड दैट सम रिप्रेजेंट एलिमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस इन दिस, इसलिए डिमांड भी उठ रहा है कि हमारे इंडियंस भी होना चाहिए, बिना इंडियंस को पूछे हुए आप इंडिया को रूल करोगे तो वो तो गलत बात नहीं। तो ये सब सिचुएशन के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आ चुका है, उसके बावजूद भी 3 साल में एक नया एक्ट आया है, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब काउंसिल एक्ट क्यों बोला जा रहा है तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि काउंसिल में ही ज़्यादा चेंजेस आया है इसमें। आगे देखो तो और इवेल्युएट करो इसको और समझो बढ़िया से, तो किसने क्या दिया और क्या इसने नहीं दिया। हाँ, नॉमिनेशन पावर ऑफ वॉइस रॉय, आप बताओ, इसमें बोल तो दिया कि वॉइस रॉय क्या करेगा, बच्चे लोग नॉन इंडियंस को क्या करेगा, सॉरी इंडियंस को, हाँ लिखा गया ना कि नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए इंडियंस को चुनेगा 2 साल के लिए। भाई ये प्रो ब्रिटिशर्स भी तो हो सकता है, ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाला आदमी भी हो सकता है, तो ये गड़बड़ी, यानी कि इंडियंस को ढूंढा। अब अरे चमड़ी भले ही इंडियन हो, यदि टेस्ट यूरोपियन हो या इंग्लिश का हो तो फिर फायदा कहाँ हुआ? पहले आप आगरा वहाँ से कौन जा रहा था? अंग्रेज जा रहा था, उसको हटा के आपने क्या किया? आपने कहा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर चुनोगे इंडियंस को। अब वो इंडियंस यदि प्रो ब्रिटिशर्स हो तो फिर नीचे का बात तो हुआ ही नहीं, उसको पैसा खिला के उसको शांत कर दिया जाएगा, या फिर किसी तरह भी उसको शांत कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ। देखो वही चीज़ लिखा गया है कि नॉमिनेशन पावर जो वॉइस रॉय का है कुड बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड बाय नॉमिनेटिंग प्रो ब्रिटिश मेंबर्स। बात समझ गए ना? तो इंटेंट पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट करने का बात, इलेक्शन का बात तो नहीं था इसमें। इलेक्शन करके आता तब इंडियंस लोग चुन के भेजते, तब वो रियल रिप्रेजेंटेटिव होता। ऐसे तो वॉइस रॉय किसी भी आदमी पकड़ के अपना उसमें डाल देगा, असेंबली में डाल देगा, और प्रो ब्रिटिशर्स भी हो सकता है। दूसरा देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर मेनली टॉक शॉप्स विथ नो पावर, बताओ खाली बातचीत हो रहा है, लेजिस्लेटिव में कोई पावर नहीं है। एग्जांपल देखो, एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसाइज करे, अब तो नॉन ऑफिशियल मेंबर में इंडियंस भी है, खाली क्रिटिसिज्म, कोई कुछ कर नहीं सकता है। तुम बोलते रहो, तुम ब्रिटिश के विरोध में ही बोलते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप नॉन ऑफिशियल मेंबर हो जो। हाँ, आप देखो वही बोला कि वेयर मेयरली टॉक्स ऑफ विथ नो पावर, यानी कि आप खाली बात कर सकते हो, केवल आप बात कर सकते हो, आप ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, मैंने गलती से बोल दिया क्रिटिसाइज करना, ऐसा नहीं, आप केवल वहाँ पे बात कर सकते हो, खाली टॉक्स ऑफ है, मतलब समझ रहे, ऐसा मकान है जहाँ पे केवल बातचीत ही किया जा सकता है। तुम ना ही सरकार के विरोध में वो कर सकते हो, विरोध का मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हो, ना ही तुम इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, ना ही तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हो। अभी होता है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन लगता है ना सर, तो ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। फर्दर देर वॉज नो स्टैचुरी स्पेसिफिक प्रोविजन फर्दर, यानी कि कोई लॉ नहीं बना था कि इंडियंस जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है इस तरह अपॉइंट होके आएगा। वो पूरा डिस्क्रिशनरी पावर था वॉइस रॉय का, तो वॉइस रॉय तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो रियल में तो ये भी कुछ नहीं मिला है। दूसरी बात देखो, ये कितना गंदा था ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो आप गवर्नर जनरल वॉइस रॉय को दे दिए, उसे क्या है, तो वो लॉ अपने हिसाब से बना लेगा। यदि यहाँ लॉ भी बनेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको भी वो काउंटर कर देगा, तो मनमानी तो वॉइस रॉय का ही चलेगा इस बात समझ रहे हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट भी जो 1861 में पास हुआ था, उसने भी इंडियंस पीपल का जो एस्पिरेशन है, इच्छा, उसको पूर्ति नहीं किया है। आया समझ में? हाँ, पोर्टफोलियो सिस्टम बना, बहुत खराब चीज़ कह रही होगा। हाँ, पहली बार इंडियंस आया वो भी तो बड़ी बात है। अब देखो आगे, देखो अब आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चेंजेस नज़र आएगा स्टूडेंट, तुम लोगों को चेंजेस नज़र आएगा। 1892 का मतलब है कि मॉडरेट्स लोग अब हो रहे हैं, अपने बात को रखेंगे मॉडरेट्स लोग सब। इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो विचारधारा पनपा ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, वही गर्म दल और नरम दल। तो मॉडरेट्स अभी PPP वही पिटीशन प्रेयर करके समझाएंगे ब्रिटिश को कि थोड़ा दे दीजिए लॉलीपॉप हमको भी,
कितना दिन तक हम झेलेंगे ये सब चीज़, तो ये चीज़ तुमको थोड़ा बहुत इसमें दिखेगा। देखो, रिफॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन प्लेस ऑफ नॉमिनेशन वॉज वन ऑफ द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। ये बात मॉडरेट्स, इसलिए मैं मॉडरेट्स कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब शुरुआत का मॉडरेट्स लोग कर रहे थे। तो ये भी काउंसिल एक्ट है, बच्चे लोग समझ गए काउंसिल एक्ट क्यों कहा जा रहा है इसको। तो काउंसिल में चेंज होगा, वही लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंज होगा, थोड़ा एग्जीक्यूटिव में भी चेंज हो सकता है। तो पहले देखो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बदलाव देखो। इंक्रीज इन साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंसियल, यानी कि जो साइज है, पहले लेट से 10 आदमी था तो बढ़ा दिया सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंसियल लेवल पे भी, सही बात है। प्रोविंसियल लेवल पे आ चुका है ना लेजिस्लेटिंग पावर बनाने का, नीचे भी लौटा दिया ना अधिकार। नंबर वन, ऑफिशियल मेजोरिटी इज मेंटेन इन बोथ, दस मेकिंग नॉन ऑफिशियल वोट इन इफेक्टिव। बताओ यहाँ पे वही बात है कि ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी में होंगे, चाहे ऊपर हो सेंट्रल लेवल पे, चाहे वो नीचे लेवल पे हो। तो ये भी एक तरह से वही बात है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर का कुछ नहीं चलने जा रहा है इसमें भी, क्योंकि मेजोरिटी में जो लोग होंगे, अधिकतर जो लोग होंगे वो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और इंडियन जानते हो क्या होगा, नॉन ऑफिशियल होगा। साइज भले ही बढ़ा दिया हो, साइज बढ़ाने का मतलब भले ही नॉन ऑफिशियल मेंबर का रेशियो अब पहले से ज़्यादा होगा और ओवरऑल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, उसके बावजूद भी जो मेजोरिटी में जो मेंबर्स हो कौन है, ऑफिशियल मेंबर्स, अभी भी ब्रिटिश का ही चलने वाला है। आगे देखो, हाँ मगर ये चीज़ तुमको जान के अच्छा लगेगा कि अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल डेलिबरेट पावर, आप देखो पूरा पावर है कि वो बजट के ऊपर डिस्कस भी कर सकता है। बजट जानने हो ना, हाँ, कि एक साल में कितना खर्च करना है, बजट के ऊपर सब लोग डिस्कस कर सकते, बोल सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, बट बजट के ऊपर वोट नहीं कर सकते हैं। क्या होता है अभी देखो, यदि बजट में कोई पसंद नहीं आया तो आप वोट कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, एक बार क्वेश्चन पूछे है ना, जिसे होता है ना कि काउंटर क्वेश्चन पूछना कि ये कैसे हुआ, ये पूछ नहीं सकते, अभी अलाउड है, अभी हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है, अलाउड है। ये सब प्रोसीजर है पार्लियामेंट को चलाने का। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इंडियंस नहीं पूछ सकता है, वही कोई भी नहीं पूछ सकता है, बजट पर डिस्कस हो सकता है, मगर बजट पर वोट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, बट जो इलेक्शन है बच्चे लोग, बहुत ही लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है। उसके लिए बताता हूँ कैसे लोग पहुँचेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर कैसे पहुँचेंगे। ऑफिशियल देखो बच्चे लोग, अभी क्या बोला है, सेंट्रल लेवल और नीचे लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी जो मेंबर ऑफिशियल मेंबर ही ज़्यादा होंगे। मगर अब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन। देखो इलेक्शन वाला, इसलिए यूपीएससी में पूछता है ये भी कि इलेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कब हुआ, जैसे विधानसभा पहुँचने के लिए इलेक्शन का होता है ना, लोकसभा भी इलेक्शन से होता है, विधानसभा भी, तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन वाला एलिमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हुआ। मगर ये अभी जैसा नहीं है, बहुत अलग है। कैसे, देखो कि नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडी, देखो अब कौन यूनिवर्सिटी भेजेगा, पहले क्या था वॉइसराय अपॉइंट करता था ना, अब ऐसा नहीं है। जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर आएंगे, चाहे ऊपर वाले लेवल पे आए, सेंट्रल लेवल पे आए, चाहे नीचे लेवल पे आए, प्रोविंशियल लेवल पे आए, उसको कौन भेजेगा, तो यूनिवर्सिटी भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भेजेगा, म्यूनिसिपलिटी भेजेगा, जमींदार भेजेगा, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भेजेगा, ये बॉडी है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, उद्योगपति कह सकते हो चैम्बर है। तो इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला इलेक्शन नहीं है, मगर वॉइस वॉइस ज़्यादा बेटर है ये, हाँ ये भेजेगा। और ये अभी भी आएंगे तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर ही कहलाएंगे, और ये बजट में बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, ना ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आया समझ। मगर हाँ, इलेक्शन का लिमिटेड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू तो हुआ कम से कम, कि अपॉइंटमेंट वाला कॉन्सेप्ट खत्म, समझे। आगे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो, तो कह सकते हो कि ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट वाला जो रियल सिस्टम जो क्रिएट करने में यही एक्ट सबसे बड़ा योगदान किया है। कैसे, देखो तो यहाँ से बच्चे लोग देखो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है भारत में, क्यों, भले ही चलो ठीक है डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए, इनडायरेक्ट इलेक्शन से तो आया। अभी भी देखो ना विधान, अभी राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सिंगल ट्रांसपोर्ट वोट सिस्टम, विधानसभा भेजता है ना राज्यसभा में, विधानसभा भेजता है राज्यसभा में, तो ये कॉन्सेप्ट भैया, हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन।
इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रिवेंटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मगर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत ये है विद्यार्थी लोग, पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में गैप है, क्योंकि पब्लिक ने नहीं भेजा है, वो जमींदार ने भेजा है, वो यूनिवर्सिटी ने भेजा है, वो तुम्हारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भेजा है, वो यूनिवर्सिटी ने भेजा है, तो पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में गैप है ना, गैप है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक नहीं भेज रहा है, संस्था भेज रहा है। हाँ, मगर एक फ़ायदा क्या है कि यस, इंडियन शामिल रहेंगे आप लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और वही इंडियन शामिल रहेंगे जिसको इनडायरेक्टली भेजा गया है, क्योंकि इतने मेंबर भेजे जाएंगे और फिर यहाँ से अपॉइंट किया जाएगा, जैसे 10 मेंबर भेजा गया, 5 चाहिए तो 5 वहाँ से ले लिया जाएगा, मैं भेजा तो नीचे से ही गया, इंडियन के द्वारा ही भेजा गया है, भले पब्लिक नहीं भेजा हो, भले यूनिवर्सिटी भेजा हो। तो आया ना कॉन्सेप्ट इलेक्शन का। हाँ, दिस एक्ट वॉज ऑल्सो सर्व्ड एज अ रीजन बिहाइंड राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन कॉन्टिनेंट। बताओ, दिमाग खराब हो गया, बोला क्या लॉलीपॉप थमा दिया, ये मॉडरेट यहीं तक कर सकता था, क्रिटिसिज्म होगा मॉडरेट को लेके, दिया है मॉडरेट, खूब दिया है एकदम, उसका बोलते ना क्रिटिसिज्म होगा मॉडरेट्स का, कि मतलब तुम इतना प्रेयर पिटिशन करके तुमको यही मिला ना, तुम डायरेक्ट इलेक्शन कर पाया, वो आया भी तो बजट पे डिस्कस करने के लिए आया है, बजट पे सवाल नहीं उठा सकता है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, वोट नहीं कर सकता, अभी भी जो तूती बोलेगा वो ऑफिशियल मेंबर का ही बोलेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मिलिटेंट नेशनलिज्म और ज़्यादा उम्र गया क्या है, अभी तक नहीं दे रहा है इंडियंस को ये। तो वही बोला, देखो वही कांग्रेस का जो मॉडरेट्स का जो यही जो ट्रिपल पी था, पिटीशन, प्रेयर और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, वो बेकार का चीज़ है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया है और थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया। तो क्रिटिसिज्म होगा इसका भी स्टूडेंट, समझे, देखो आप क्रिटिसिज्म तुमको समझ में आ जाएगा। देखो तिलक क्या बोलते हैं, देखो तिलक, पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फॉट फॉर, पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। मॉडरेट्स को लगता है कि वो खाली परसुएशन करेगा, कन्विंस करेगा और दिल पिघल जाएगा ब्रिटिश का, वो दे देगा, ऐसा होने वाले नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर से मिलेगा जो हमको चाहिए, विद्रोह करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। तो तिलक तो एक्सट्रीमिस्ट वाला आदमी है, वो एक्सट्रीमिस्ट वाला, वो चलाक है, चतुर है, उसको पता है कि ब्रिटिश बाबू, वो ब्रिटिश का हृदय परिवर्तन होने वाला, हृदय परिवर्तन होने वाला आदमी नहीं है ब्रिटिश। तो ये जो भी लॉलीपॉप दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट में, वो पसंद नहीं आया एक्सट्रीमिस्ट लोग को, मिलिटेंट नेशनलिज्म वाले लोग को पसंद नहीं आया, रिवोल्यूशनरी लोग को भी पसंद नहीं आएगा ये सब चीज़। एनीवे, आया समझ में तुम लोग को ये चीज़, 1892 याद रहेगा ना इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ। हाँ, बढ़ोतरी है, इंक्रीज हो रहा है, अब तुम देखते जाओगे आगे बहुत इंक्रीज होगा। अब देखो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, तो मोरले कौन है, SOS है, मिंटो कौन है, वॉइसरॉय है, समझे। अब देखो बच्चे लोग, अब तुमको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा इसमें। हाँ, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, चूंकि वो भी काउंसिल से ही जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं, बात समझे ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे सेंटर हो चाहे प्रोविंशियल हो, दोनों का ही बढ़ा दिया गया, ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन इन सेंटर, ठीक है, ऑफिशियल देखो ऊपर में बच्चे लोग, जो ऑफिशियल मेंबर होंगे उसका मेजोरिटी ऊपर होगा, मगर प्रोविंस में बोले जाए कि नॉन ऑफिशियल मेंबर का मेजोरिटी भी हो सकता है, नीचे इंडियंस को अधिकार मिलेगा, क्योंकि नॉन ऑफिशियल वाले मेंबर कौन होंगे, इंडियंस ही होंगे। बोला कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है ऊपर का, उसमें तो ऑफिशियल मेंबर ही मेजोरिटी में होंगे, मगर नीचे नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, मिला ना फायदा, नीचे इंडियंस आएंगे ना, बिल्कुल देखो वही, बट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंसेस, दिस फर्दर डिमांड फॉर ग्रेटेड, देखो यही तो है, एक स्टेप है, आएगा स्टेप है, इससे इसके बाद और डिमांड उठेगा, जब यहाँ हो सकता है तो ऊपर भी हो सकता है। आस्ते 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 आस्ते, डिलीवरेट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी इनलार्ज, देखो और बढ़ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन, और बढ़ जाएगा, आप देखो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें नहीं ना पूछने की बात था, बजट पर रेजुलेशन भी पास कर सकता, अब वोट भी कर सकता है बजट के आइटम्स पे। देखो यू जस्ट सी द चेंजेस, हाँ, एंड एवेन्यूज फॉर इंडियंस टू वेंटिलेट देयर ग्रीवेंसेस, आल्सो अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज एंड मेक सजेशन, वह क्रिटिसाइज कर सकते हो पॉलिसी को, सजेशन भी दे सकते हो, देखो खोल दिया गया दरवाजा, खोल दिया गया विद्यार्थी लोग। हाँ, अब इतना ही नहीं बच्चे लोग, इतना ही नहीं, जो वॉइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें इंडियंस भी शामिल होने जा रहा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कैबिनेट, अब पहला कौन शख्सियत
कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे कौन इंडियन थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वॉइस रॉय का उसको ज्वाइन किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बात कर रहा हूं मैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात नहीं कर रहा हूं। ये आदमी देखो अमर हो गया ना कि पहली बार इंडिया इंडियन लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट रैंक पे पहुंचा है। वॉइस रॉय तो होगा ही सबसे पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर समझ जाओ अभी का, उसका टीम होगा ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें हमारे फर्स्ट इंडियन जो पहुंचे हैं उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, याद कर लो ये सब चीज़ काम आएगा। हाँ मगर बाबू ब्रिटिश ब्रिटिश ना है जी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेगा ना ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट है किसके लिए, मुस्लिम के लिए। देखो अब जिस जगह पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है ना वहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। यानी कि मान लो कि एक जगह है मुस्लिम आबादी वाला है, वहाँ पर हिंदू भी है, तो हिंदू उसको वोट नहीं करेगा, मुस्लिम करेगा। मुस्लिम का चार कैंडिडेट उठेगा उसमें कोई एक मुस्लिम जीतेगा। तो क्या है मतलब, एक ही देश में इलेक्शन कर रहे हो अब मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, गलत है कि नहीं है। बाद में यही इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा घर बनेगा। ये देखो वही है, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया मुस्लिम मेंबर्स के लिए कि वे टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर, मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम मेंबर करेगा। ऐसा नहीं होता कंट्री में हटा दिया गया ये चीज़ को, अभी भारत आज़ाद हुआ इस चीज़ को हटा दिया गया। अरे भाई कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो जाएगा इससे, क्योंकि मुस्लिम जनता आ जाएगा मुस्लिम आदमी को वोट देने के लिए। वेरी बैड। अब बाद में तो देखो यही बोला है कम्युनलिज्म, बता कम्युनलिज्म को आप लीगलाइज कर रहे हो कि मुस्लिम को ही वोट देना है, तो हिंदू मुस्लिम का तो रिप्ट और बढ़ जाएगा तेजी से। इलेक्टिव प्रिंसिपल्स वे रिकॉग्नाइज, देखो फर्स्ट टाइम इलेक्शन, देखो इलेक्टेड मेंबर्स वे इनडायरेक्टली इलेक्टेड। देखो अब इलेक्ट कैसे इलेक्ट होगा, देखो लोकल बॉडी ऊपर पहुंचने का बात कर रहा हूं, लोकल बॉडीज इलेक्ट करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, फिर वो इलेक्ट करेगा मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, फिर वो इलेक्ट करेगा तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन को। यानी कि प्रोसेस नीचे से गया, लोकल बॉडीज समझ ना, वो इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया, उसके बाद फिर तुम्हारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आया आदमी लोग, फिर वो डिसाइड करेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कौन पहुँचेगा। जैसे अभी विधानसभा तय करता ना राज्यसभा में कौन पहुँचेगा, तो इस तरह जा रहे हैं लोग सब। तो कह सकते हो इलेक्टिव प्रिंसिपल वाला चीज़ को रिकॉग्नाइज किया पहली बार। अब अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन बात खत्म, तो इलेक्टेड मेंबर्स इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली नहीं है अभी भी, इनडायरेक्टली बच्चे लोग डायरेक्ट इलेक्शन नहीं आया अभी भी, मैं उससे ज़्यादा बेटर है। देखो ना लोकल बॉडीज अपॉइंट किया, इलेक्टोरल कॉलेज बना। अब देखो क्या हो, लोकल बॉडी वही सेम चीज़, जमींदार ये दुनिया भर का ये सब चीज़, ये इलेक्ट किया, इलेक्टोरल कॉलेज बना, मतलब उसमें बहुत सारे लोग सब बैठे हैं। फिर वहाँ से वो उसी आदमी से फिर अपॉइंट करके जाएगा प्रोविंस में जाएगा, फिर प्रोविंस से लोग भेजेंगे वहाँ कहाँ पे सेंटर में, इस तरह कुछ। अभी भी कहोगे कि सर डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट बिल्कुल इलेक्शन नहीं है, अभी पीपल से पीपल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आगे देखो थोड़ा बैकग्राउंड देखो, अब देखो इसमें तुमको बहुत कुछ समझना है कि होक ऐसा क्या स्थिति आया कि मुसलमान को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो तुमको समझना है तो तुमको ये शिमला डिपुटेशन समझना होगा। शिमला डिपुटेशन मतलब क्या कि लोग सब मिलने गए थे शिमला में ब्रिटिश से, वही मुस्लिम लीग है ये सब, मॉडरेट्स एज वेल एज मुस्लिम लीग, ठीक है। वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, संविधान में रिफॉर्म्स आना चाहिए। 1908 में देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं रॉयल कमीशन। उसमें ये बात था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल इंडिया कह सकते हो, यूनियन इंडिया और प्रोविंस के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखना, और दूसरी बात है कि सजेस्ट करना मेजर्स तरीका ताकि और सिंप्लीफाई और इम्प्रूव हो फेडरलिज्म कह सकते हो दूसरे शब्द में। देखो उसी के फलस्वरूप देखो मॉडले मिंटो में ये बात आया था जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कह सकते हैं। इसमें वही बताया गया देखो कि एक्सपांसन करना होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का और साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट का भी कॉन्सेप्ट। अरे ब्रिटिश को लगा कि बेस्ट मौका है इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो करने का, काउंटर करने का, समझे। देखो अब देखो तुम यहाँ पे, तो देखो मैंने कहा ना कि मॉडले मिंटो को तुम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कह सकते हो। देखो अब यहाँ पे देखो क्या क्या किया गया, अब समझो यहाँ पे बात समझो। रिजेक्टेड सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज नॉट सुटेबल फॉर, देखो इवेल्युएशन, इंडियन काउंसिल एक्ट तो आया इतना बड़ा बड़ा साइज बना दिया, इलेक्टेड मेंबर्स जाएगा ऐसे करके चुन के जाएगा, मैं इसका इवेल्युएशन क्रिटिकल एनालाइज करोगे तो बाबू कोई काम का नहीं था ये रियल में। क्यों, हम स्वराज बोल रहे थे, स्वराज का कॉन्सेप्ट आ चुका है, हम बोल रहे थे स्वराज हम खुद रूल करेंगे, ऐसा कहाँ करने दिया वो। सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज, यानी कि अभी भी तो सरकार कॉलोनी का ही है,
अभी तो ब्रिटिश का ही है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, मगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो नहीं है ये। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सबके लिए करने वाला। पार्लियामेंट्री सिस्टम बना, अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? देश में प्रोग्राम पॉलिसी कुछ भी उल्टा पुल्टा हो तो सब पूरा पार्लियामेंट डिसाइड्स, पार्लियामेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, भले ही पार्लियामेंट्री सिस्टम बन गया हो। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ये तो कम्युनलिज्म को जन्म दिया, इसे गंदा लोग क्या हो सकता है? एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन कनेक्शन आया, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया है तो उसमें डायरेक्ट पीपल को आप थोड़ी जोड़े हैं, पब्लिक को तो डायरेक्ट नहीं जोड़ा है रिप्रेजेंटेटिव से, अभी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है। ये सब खामी है, समझे? देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल, जब मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेके है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय के अंदर जो काम कर रहा है, अब वो वहाँ देगा जिम्मेदारी। आमतौर पर अभी क्या होता है, जैसे मोदी जी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, वो जाते हैं ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में देते हैं ना, यदि सही नहीं दे पाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा, सरकार गिर भी जाएगा। तो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कब जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना जिम्मेदारी दिया? वो दिया ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही नहीं है। पता, वो जो जिम्मेदारी दे रहा है ब्रिटिश जो ब्रिटेन पार्लियामेंट बैठा हुआ उसको दे रहा है, तो ये तो गलत है। देखो, वही बोला कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, और जो इंडिया में जो पार्लियामेंट चल रहा है उसको लेकर रिस्पॉन्सिबल है, ये गलत हुआ ना, नंबर वन। बताओ, नैरो फ्रेंचाइजी, इनडायरेक्ट इलेक्शन, लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शो ए कंप्लीट इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सही बात है कि पावर भी कहाँ है, डायरेक्ट पब्लिक चुन के थोड़ी गया है। तो इससे दिखता है कि सरकार ना ऊपर रिस्पॉन्सिबल है ना नीचे रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखो, या हिंदू मुस्लिम का देखो भाई सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड ऐसे सिचुएशन में देखो कि नो, अब बताओ, इन सच ए सिचुएशन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अवेयरनेस एंड एजुकेशन रिमेन ए डिस्टेंट ड्रीम। जब लोग चुन के जा रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, जो मुखिया होगा पब्लिक का वो खुद पब्लिक से नहीं चुना हुआ है, तो खाक पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगा, खाक एजुकेशन पे काम करेगा लोग सब। यदि डायरेक्ट चुन के जाता तो एजुकेशन के लिए काम करता, क्योंकि उसके क्षेत्र में मांग होता कि अरे भाई तुमको भेजे हैं तो तुम अभी तक काम क्यों नहीं किया मेरा। अभी होता है ना कि यहाँ आप जिस क्षेत्र से आप चुन के भेजते हो उसके ऊपर प्रेशर रहता है, यदि नहीं किया तो फिर आप अगले बार इलेक्शन में उसको हरा दोगे, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, चाहे अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, ये सो दो एक डिस्टेंट ड्रीम था, यानी कि सौ कोसों दूर था ये कॉन्सेप्ट रियलिटीज से, क्योंकि आप डायरेक्ट चुन ही नहीं रहे हो इसको। आगे देखो, शिमला डिप्यूटेशन में क्या हुआ, देखो बच्चे लोग, ये आगा खान, ठीक है, और शिमला डिप्यूटेशन देखो, ये मुस्लिम लोग को लगा कि भाई हमारा अपना पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, एक अपना पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, मुस्लिम लोग के लिए हक में एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। तो इसके लिए देखो एक शिमला डिप्यूटेशन गया आगा खान, देखो बच्चे लोग, आगा खान बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है, एक डेलीगेशन गया, वही डिप्यूटेशन गया तुम्हारा मुस्लिम का, जिसको आगा खान लीड कर रहे थे उस समय का जो वायसराय है उसे मिलने के लिए गया शिमला में, इसलिए शिमला डिप्यूटेशन कहते हैं इसमें। और डिमांड क्या था ये लोग का, मुस्लिम लीग का, ये मुस्लिम लीग का मेंबर है, इसका डिमांड क्या था कि ऑल लोकल एंड प्रोविंशियल इलेक्शन देयर शुड बी अ सेप। बताओ, जितने भी लोकल इलेक्शन हो, प्रोविंशियल इलेक्शन हो, लोकल इलेक्शन भी होता है ना पंचायत और नीचे लेवल पे, प्रोविंशियल इलेक्शन मतलब स्टेट का, सब में मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। बताओ, और देश तोड़ने का बात। और दूसरी बात है कि मुसलमान के लिए काउंसिल में, हाँ देखो, मुस्लिम इन ऑल काउंसिल्स, जितने भी चाहे इधर का हो, नीचे का हो, चाहे ऊपर का हो, मुसलमान को ज़्यादा सीट चाहिए, जितना उसका पॉपुलेशन नहीं है उससे भी ज़्यादा उसको सीट चाहिए। व्हाट इज दिस, ब्रिटिश इसके इसी के फिराक में बैठा हुआ है, कब ये लेके आए, कब हम इसको यूज़ करें कांग्रेस के अगेंस्ट। मुस्लिम इन ऑल काउंसिल शुड हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स दैन देयर परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, आया समझ में, उसको उतना सीट चाहिए जितना उसका पॉपुलेशन भी नहीं है। तो यही चीज़ तो देखेगा, यही चीज़ के लिए तो फिराक में है ब्रिटिश, ब्रिटिश देखो वही। तो थोड़ा समझ जाओ कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे फॉर्म हुआ था 1906 में, पटना बंगाल के बाद हुआ है, ढाका में हुआ था। देखो, आगा खान थे, नवाब सैमुल्ला खान ऑफ ढाका थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, इनका डिमांड क्या था, स्लोगन था कि मुस्लिम इंडियंस के लिए, मुस्लिम इंडियंस के लिए काम करते थे ये, सेपरेट स्पेशल सेफ गार्ड होना चाहिए अपने कम्युनिटी को लेकर, गवर्नमेंट सर्विस सब में सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, बताओ। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग का बात मान लिया गया उसमें। मिंटो के अंदर देखो, लॉर्ड मिंटो, बताओ ये इतना बदमाश आदमी है कि मिंटो ने क्या किया, एक ब्रांच और फैसिलेट कर दिया कि लंदन में खोले सब इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी तो जानते हो ब्रांच बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो काउंटर करने के लिए। देखो, वही मिंटो के अंदर एक ब्रांच और मुस्लिम लीग का खुला लंदन में, अमीर अली ने खोला था।
तो ब्रिटिश देखो वही तो बोल रहे हैं, ब्रिटिश देखो इसको इंकरेज करना शुरू कर दिया मुस्लिम रिएक्शनरी एलिमेंट्स को, ताकि वो काउंटर कर सके किसको, कांग्रेस को। और लीग देखो शुद्ध, अब चलो ये आवाज समझो, लीग ने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को एज मुस्लिम हुड बी इन मेजोरिटी। बताओ पार्टीशन ऑफ बंगाल में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, मुसलमान ने कर दिया। क्यों? ईस्ट पाकिस्तान बना ना, ईस्ट बंगाल बना, अभी जो बांग्लादेश वहीं से टूटा था, तो बोला ठीक तो है अधिकतर मुसलमान उधर चले जाएंगे। तो यानी कि कह सकते हो कि ब्रिटिश को सहूलियत हुआ वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल कन्वर्ट करने में, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी है, क्योंकि ऑल मुस्लिम इंडिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लगाइए तो सबसे बेस्ट मौका है, मुसलमान सबको एक अलग जगह मिल रहा है। तो 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिए। तो सवाल ये है बच्चे लोग, आखिर क्यों क्यों उसको एक अलग पॉलिटिकल पार्टी चाहिए मुसलमान को, क्यों एक अलग कंट्री बनाने का उसका मन में कॉन्सेप्ट आया? तो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस मैन, देखो ये सुंदरनाथ बनर्जी हो, जितने भी लोग थे सब पे आरोप लगता था कि ये सब हिंदू के लिए काम करते हैं, जब ये लोग हिंदू के लिए काम करते हैं तो कोई मुसलमान के काम करने के लिए भी होना चाहिए। दूसरी बात है जो दो रेडिकल ग्रुप है एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ग्रुप है वो हमेशा हिंदू का ही बात करते थे। और तीसरा बात है देखो आगा खान ने शिमला डिप्यूटेशन में अपना काम कर दिया, जैसे आर्य समाज याद है तुमको, आर्य समाज ने क्या बोला था कि जितने भी मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं हिंदू सब वो फिर बैक आ सकता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, तो इससे मुस्लिम के मन में वो डर हो गया कि बताओ हिंदू ये सब कर रहा है। और उसका देखो शिमला डिप्यूटेशन हुआ, तो शिमला डिप्यूटेशन में तो बहुत फायदा हुआ मिंटो से मिलकर, वो बहुत खुश हो गया था कि भाई मिंटो पूरा काम कर देगा मेरा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया बच्चे लोग पढ़ो इसको। मुस्लिम को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, ये केवल हिंदू इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, बाकी कम्युनिटी को बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जब 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया गया तो उस समय कांग्रेस विरोध कर रहा था बंगाल ऑफ पार्टीशन को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को, इमिडिएटली डिमांड फॉर इस रिवर्सल। अब बोला कि क्या कि नहीं आप मत करिए, आप बंगाल को दो भाग में डिवाइड नहीं करिए। याद करो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी भी चला दिया था इस पर, जब बंगाल जब टूटा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी का कॉन्सेप्ट लेके आया था कि राखी बांधिए कोई बात नहीं, हम लोग भाई ही हैं, हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं, ताकि लोगों में एक रहे प्यार रहे सद्भावना रहे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बहुत ही मायूस था कि क्यों हुआ है, मुसलमान ने मुस्लिम लीग ने सपोर्ट कर दिया कि ठीक है अच्छा हुआ एक तरफ आ गया। तो यहाँ पे मुस्लिम लोगों का मानना ये है कि आखिर कांग्रेस को तो सपोर्ट करना चाहिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, इससे हमको अलग मिलता जगह और हम अच्छे से रूल कर पाते, हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भराम सोचते, मगर कांग्रेस तो बोल रहा है कि बंगाल पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इसका मतलब कांग्रेस हिंदू का पार्टी है, वो मुसलमान का भला नहीं सोच सकता, क्योंकि जब पार्टीशन होगा तो मुसलमान का एक जगह मिल रहा है, मैं विरोध कर रहा है। ये देखो ना कैसे चीज़ों को कैसे पिक्चराइज किया जा रहा है। एक वही तो बोलते एक टाइम हिंदू आरोप लगता था कांग्रेस क्या है हिंदू का पार्टी, अभी बताओ कहता है कांग्रेस मुस्लिम का पार्टी है। राजनीति देखो कांग्रेस डिमांड का कंपिटेटिव एग्ज़ाम होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और हम जानते हैं कि मुस्लिम लोग ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग रहे हैं उस समय भी, तो ये लोग को पास करना बड़ा मुश्किल था, और हिंदू में तो जानते हो लर्नर क्लास पंडित क्लास सब है, वो एक ही बार जॉब ले लेगा क्योंकि इंडियन सोसाइटी में तो बहुत फ्रैक्शंस। कांग्रेस ये भी बोले देर वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है मुसलमान को, मुसलमान बोलते हमको जरूरत है, यानी कि तुमको हर चीज़ में दिखेगा कांग्रेस क्या कर रहा है मुस्लिम को विरोध कर रहा है, ऐसा तुमको दिखेगा पिक्चर। कि कांग्रेस ने बोला कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट देने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट जब सेपरेट इलेक्टोरेट दलित को भी दिया जा रहा था तो गांधी जी मना किए थे ना इस चीज़ को, तो तुमको लगेगा एज इफ गांधी जी विरोधी है, गांधी जी विरोधी नहीं थे, गांधी जी सबको लेके चलना चाहते थे। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया 1909 में मॉरले मिंटो ने, तो कांग्रेस ने विरोध किया है, जम के विरोध किया है। तो कांग्रेस ने जब विरोध किया सेपरेट इलेक्टोरेट को तो मैसेज क्या गया कि मुसलमान के अगेंस्ट विरोध हुआ है। दूसरी बात है को हिंदू उर्दू को लेकर कंट्रोवर्सी हो गया, अभी भी कंट्रोवर्सी चलता है ये कि हिंदी लैंग्वेज हिंदू के लिए हाँ उर्दू लैंग्वेज मुस्लिम के लिए, जबकि ये ट्रू नहीं है, उर्दू एक से बड़े बड़े पॉइंट हुए हैं हमारे इंडियंस लोग हिंदू लोग सब गलत है। और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप देखो आर्य समाज सब बताओ ये और टेंशन दे रहा था। अब तो कैसे कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट था ये लोग सब लाउड म्यूजिक चला रहा था मस्जिद के सामने में, जो कि अच्छा बात नहीं है, ये तो गलत चीज़ है ना, मस्जिद में आप बड़ा बड़ा आवाज़ लगा रहे हो साउंड बॉक्स लगा रहे हो। दूसरी बात है कि स्लॉटर ऑफ काउस को बैन कर दिया गया भारत में, तो हिंदू लोग का मांग था ये।
और जितने भी जितने भी हिंदू जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए उसको बैक करने का बात था आर्य समाज के द्वारा, तो ये सब चीज़ पसंद नहीं आया, समझे, ये सब चीज़ पसंद नहीं आया। तो लगा कि बेस्ट मौका है ये शिमला डिपोटेशन, और उसमें जो भी एतराज़ है हमें कांग्रेस से या उस समाज से, और हमें क्या होगा कि हमें एक अलग लैंड मिल जाएगा, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा। और ब्रिटिश बिल्कुल चाहता था, ब्रिटिश तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना चाह ही रहा था, विद्यार्थी लोग समझ गए ना। हाँ, तो ये जो भी बताया गया है वो ये बोलने के लिए कि देखो क्यों आया है सेपरेट इलेक्टोरेट के पीछे रीज़न क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनना, शिमला डिपोटेशन होना, कांग्रेस के ऊपर क्या छवि लगना। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब देखो अगस्त 20 तारीख 1917 को मोंटागु, देखो ये मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होगा, है ना, हाँ मोंटागु चेम्सफोर्ड, मोंटागु कौन है, SOS है, और चेम्सफोर्ड कौन होगा, वॉइस रॉय, दोनों को ऐड कर दोगे तो मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, मोन यहाँ से ले लो, फोर्ड इधर से ले लो। तो मोंटागु जो थे, हाँ मोंटागु कौन हो गए, SOS, उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, उसी को बोलते हैं हम लोग अगस्त डिक्लेरेशन। इन्होंने कहा था कि यस हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहेंगे, हम इस पर डिस्कस करना चाहेंगे, और ये रिपोर्ट दिया गया था 1918 में, इसी को बोलते हैं मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए 1917 में डिक्लेरेशन हुआ मोंटागु के द्वारा, है ना, फिर डिस्कशन हुआ जो यहाँ के चेम्सफोर्ड है वॉइस रॉयस के साथ, और फाइनली ब्रिटिश ने इसको पास किया इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो क्या इसमें ना बहुत कुछ इंडियंस को दिया गया है, स्टूडेंट कुछ कुछ कमी था, कुछ कुछ गलत भी किया गया, मैं इंडियंस को बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। देखो तो मैं कोट टू कोट पढ़ता हूँ, समझो, गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सरकार का ऐसा पॉलिसी है कि इंडियंस हर जगह ही बढ़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियंस हर जगह ही शामिल हो, और हमारा कोशिश ये रहेगा कि सेल्फ गवर्निंग डेवलपमेंट हो, यानी कि इंडियंस ज़्यादा शामिल हो, विद अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रिलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ताकि भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या, कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल टू योर लेजिस्लेटिव, ये हम तैयार हैं इसके लिए, और ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। तो कहोगे कि ये बहुत सुंदर शब्द है इंडियंस के लिए, इंडियंस लोग खुश हो जाएंगे, मतलब जो लॉलीपॉप जो दिखाया जा रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है कि ये ग्रेजुअल ट्रांसफर का बात किया जा रहा है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का बात किया जा रहा है। आप देखो यहाँ पे समझो ऐसा क्या चीज़ था इसमें। तो इसका जो व्यवस्था है बच्चे लोग, ये इंडिया का व्यवस्था से अभी काफ़ी मिलता जुलता है, और यही व्यवस्था 1935 में जाकर और बेजोड़ बन जाएगा वो। और 1935 जानते हो कि पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बहुत सारा चीज़ रखा गया है। तो अब देखो कैसे, तो देखो यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस रिलैक्स, जो सेंट्रल कंट्रोल करके रखा था प्रोविंस को रिलैक्स कर दिया, कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया, अब सेंट्रल सब्जेक्ट होगा और प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा, पहली बार देखो सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर क्या करेगा, अपना बजट बनाएगा। देखो पहली बार स्टेट अपना बजट बनाने जा रहा है, आया समझ में परिवर्तन, और सब्जेक्ट भी दो हो गया ना, यानी कि प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो स्टेट सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए प्रोविंस खुद कंट्रोल करेगा, उसके लिए खुद विधानसभा काम करेगा, नंबर वन। हाँ, और ये देखो, हाँ ये डायरेक्टी बोले थे ना बच्चे लोग, अब देखो गड़बड़ी सबसे बड़ा लूफॉल से यही हुआ है इसका डायरेक्टी सिस्टम, इसमें क्या क्या, अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक तुम्हारा रिजर्व सब्जेक्ट, बताए थे तुम लोग को पिछले क्लास में। तो रिजर्व सब्जेक्ट में कौन करेगा, गवर्नर करेगा, और उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जो कि वो नॉमिनेट खुद करेगा, अपना टीम वही बनाएगा वो। और दूसरा क्या है, दूसरे में वही गवर्नर रहेगा, प्लस ये मैं प्रोविंस का बात कर रहा हूँ, प्रोविंस में गवर्नर है ना, गवर्नर ऑफ मद्रास है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, गवर्नर गवर्नर है, एक गवर्नर में उसका गवर्नर और उसने जो अपॉइंट किया वो एक टीम रहेगा, वो क्या देखेगा, वो आपका रिजर्व सब्जेक्ट देखेगा, और रिजर्व सब्जेक्ट वही डाला जाएगा जो बहुत पावरफुल हो, फाइनेंस, जहाँ पैसा कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो। और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है जिसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं उसमें पैसा रुपया का बात नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर, और उसको कौन सा कैसे गवर्न किया जाएगा, गवर्नर रहेंगे साथ में इंडियंस रहेंगे जो चुन के आया विधानसभा में, नो देखो हो गया, तो मिनिस्टर रहेंगे जो अपॉइंट हुए हैं तुम्हारे वही। और देखो एजुकेशन दे दिया उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट में, लोकल सेल गवर्नमेंट दे दिया, हेल्थ दे दिया, इंडस्ट्री दे दिया, रिलीजन दे दिया, और इधर देखो रिजर्व सब्जेक्ट में फाइनेंस दे दिया, लैंड दे दिया, रेवेन्यू दे दिया, माइनिंग दे दिया, लेबर दे दिया, देख रहे हो ना कितना चलाकी किया है। इसी को बोलते हैं डायरकी, ये ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस,
ये बाद में ख़त्म कर दिया गया जब साइमन कमीशन आया ना 1927 में, बोला कि बेकार है ये प्रोविंशियल ख़त्म करके। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में, कायदे से 29 में आना चाहिए था, उसको बताया था पिछले क्लास में। तो डायरेक्ट की प्रोविंस लेवल में ख़त्म कर दिया और बोला गया कि अब सेंट्रल लेवल में लागू होगा, बोला गया वहाँ कभी लागू नहीं हुआ सेंट्रल लेवल पर। देखो पहली बार भारत में बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है बच्चे लोग, अपर हाउस और लोअर हाउस अभी है कि नहीं बताओ तो, लोकसभा राज्यसभा को कॉन्सेप्ट यहाँ से। वहाँ देखो अच्छे से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब जो एक जो काउंसिल चला था उसको रिप्लेस कर दिया, अपर हाउस होगा उसी बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस होगा उसी बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा राज्यसभा का बात है। और नीचे है ना तुम्हारा विधानसभा और विधान परिषद, ये वाला कॉन्सेप्ट। एंड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, हो गया जो मिलना था, अब डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो कहोगे सर डायरेक्ट इलेक्शन मतलब अभी वाला डायरेक्ट इलेक्शन? नो, अभी वाला भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो टैक्स दे रहा है वही आदमी वोट कर सकता है। PET याद कर लो, प्रॉपर्टी एजुकेशन एंड टैक्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तुम्हारा भारत आज़ाद होने के बाद में हुआ है, संविधान लागू होने के बाद हुआ है। देखो बच्चे लोग यहाँ समझो, अब देखो बाबू ये लोग इतने बदमाश लोग हैं, मुसलमान को तो दे ही दिया था 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रोड, बताओ इस बार इन लोगों को भी दे दिया, क्रिश्चियन को भी दे दिया, इंडियन क्रिश्चियन को भी, हाँ उसको भी, यूरोपियंस को, सबको दे दिया ये लोग। पब्लिक सर्विस कमीशन बनने का बात था ना, ये पढ़ाए थे हाँ, और उसकी वजह से देखो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में, वही लिमिटेड फ्रेंचाइजी है, PET प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के नाम पे महिलाओं को भी राइट दिया गया, बट वही वुमेन गिवन राइट टू, उसको भी राइट दिया गया, मगर क्या यूनिवर्सल थोड़ी है ये, नहीं है। लेजिस्लेचर देखो सेंटर होगा प्रोविंस होगा, सेंटर में देखो बच्चे लोग ये बढ़िया देखो उसको इंपॉर्टेंट है वो, कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, मोशन भी पास कर सकता है तुम्हारा 25, हाँ पास मोशन मोशन एंड वोट एंड बजट 25% ऑफ बजट पे वो वोट कर सकता है, ठीक है। प्रोविंस में देखो, प्रोविंस में क्या है, यस फ्रीडम ऑफ स्पीच, लॉ बना सकता है, मगर हाँ गवर्नर के पास वो है, वो फिर वीटो पावर लगा सकता है, वही बोल रहा है कैन रिजेक्ट ए बजट बट गवर्नर कुड रिस्टोर, यदि प्रोविंस रिजेक्ट भी कर दिया बजट को तो गवर्नर के पास इतना पावर है कि फिर उसको SO कर ले, रिवोक भी कर सकता है, मतलब नाम के लिए कर सकते हो आया। वही टायर की बहुत गंदा चीज़ है, कहीं ना कहीं सिस्टम पहले से तो बहुत अच्छा है ये, है ना। SOS देखो, SOS बताओ, SOS को जो पैसा मिलेगा अब इंडियन एक्सचेकर से मिलेगा, भारत की तिजोरी से मिलेगा, पहले ब्रिटिश देता था उसको पैसा, ब्रिटिश पार्लियामेंट देता था, वहाँ ब्रिटेन देता था, अब ब्रिटेन नहीं देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि अब SOS समझो SOS का जो पेमेंट है अलाउंसेस है सैलरी, अब इंडिया का एक्सचेकर से जाएगा, इंडिया की तिजोरी से जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टैचुरी कमीशन भी बना था, इसी की वजह से तुम्हारा साइमन कमीशन आया है। क्या होगा कि ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कितना काम किया है, ये देखने के लिए 10 साल में एक और कमेटी बनेंगे, उसी को बोलेंगे साइमन कमीशन, जो कि 10 साल में नहीं, 10 साल से पहले ही आ जाएगा, 8 साल में ही आ जाएगा, 1927 में ही आया, समझ में ये चीज़। यस देखो तो कैसे इसको आकलन करोगे, कैसे इसको समझोगे, तो बाबू देखो इसमें तुमको दिखेगा चलो ठीक है पॉलिसी अब बिना बोले डेस्पोटिज्म है, ठीक है, यानी कि अब ये नेपोलियन के लिए वर्ड यूज़ होता है बिना बोले डेस्पोटिज्म, उदारवादी बिना बोले मतलब क्या, काइंडनेस वाला मैं अभी भी डिस्पोटिज्म है, काइंड हार्टेड हैं हम मैं अभी भी मोनार्की वाला माइंडसेट है, ब्रिटिश अभी भी वहाँ पे है, मैं कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने बहुत छूट भी दिया है ये बोलना चाह रहा है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ये स्टार्टिंग पॉइंट है भारत में, तो देखो वही बोला स्टेप्स टूवर्ड्स अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ा लोगों के बीच में, इंडियंस कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बार इंडियंस लोग जान पाए क्या होता है, व्यवस्था क्या है। देखो तुम खुद देखो जो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वो 3 से 8 कर दिया गया, तो मोर इंडियंस यानी पहले 3 इंडियन ही आ सकते हैं, अब कितना कर दिया गया 8 इंडियन, 8 इंडियन शामिल हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, किसका, वॉइसरॉय वाई गवर्नर जनरल का। फेडरल गवर्नमेंट देखो इसमें भी देखो, हाँ इंडियन फेडरलिज्म को देखो प्रोविंस का अलग किया ना कि जी एज अ प्रोविंसेस एज ए यूनिट ऑफ फिस्कल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रोविंस को ही बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया गया। अब यहाँ पे देखो एब्सेंस बट नेशनलिस्ट हैड हाईलाइटेड 3 मेजर डिफेक्ट्स, बोला कि आप 1919 का लेके आए, मत 3 प्रॉब्लम अभी भी है उसमें, हाँ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी भी सेंटर में नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट पहले तो आप मुस्लिम को लेके आए थे, इस बार और भी लेके आ गए,
इससे देश का जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स वो हट हो जाएगा, ठीक है, सोसाइटी में डिवीज़न हो जाएगा, और जो डायरकी लेके आया हो तो डायरकी तो बर्बाद कर दिया नीचे। आप एजुकेशन दे दिए रिजर्व सब्जेक्ट में, सॉरी ट्रांसफर सब्जेक्ट में, और फाइनेंस दे दिया आप उसमें रिजर्व सब्जेक्ट में, ये तो आपने गलत काम किया है, समझे ना? रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट समझ रहे हो ना? रिजर्व सब्जेक्ट में आप दे दिए फाइनेंस को, करेक्ट, यही था जी, और ट्रांसफर में आप वो दे दिए, तो इंडियंस भले ही कितना भी कुछ बनाएगा फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए आप फाइनेंस देने वाले नहीं उधर से। ख़त्म कर दिए स्टूडेंट, तो यस वी हैव सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, और आने वाले समय में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पढ़ेंगे, इसी का एक्सटेंशन होने जा रहा है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी देखेंगे जब मॉडर्न इंडिया कंप्लीट होने वाला होगा। ये मॉडल जब कंप्लीट होगा तो विल सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑल्सो कंप्लीटेड।